यहाँ पे अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। वी आर कंटिन्यूइंग विद द रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो हमने लास्ट इसमें इफ़ यू रिमेंबर हमने हैलोजिनेशन रिएक्शन देखा था, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसीलेशन, ये रिएक्शंस देखे थे, ठीक है ना। तो अभी कंटिन्यू करते हैं विथ सेम सेट्स ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे अपन जो देख रहे थे इस रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पे वी नो कि बेंजीन रिंग जो होती है, ओके, बेंजीन रिंग जो होती है दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट रेजिस्टेंट टू रिडक्शन, एडिशन रिएक्शन है। रिडक्शन बोले तो क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन, इजंट इट। इसमें अपन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन करती नहीं है, तो अगर अपने को करना है तो वी नीड टू यूज़ हार्श कंडीशन, ठीक है ना। सो इट इज़ रेजिस्टेंट टू नॉर्मल रिडक्शन रिएक्शन, ओके। बेंजीन रिंग जनरली नॉर्मल कंडीशन में डजंट अंडरगो, बट एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर अगर अपन करते हैं सो इट कैन अंडरगो रिडक्शन और एडिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे अपन ले रहे हैं H2PT ले रहे हैं, जैसे H2PT या H2PD ले सकते हो। यू कैन सी प्रेशर कितना है, 130 atm, टेम्परेचर 25 degrees Celsius, राइट। सो इन दिस केस यू आर बेसिकली यूजिंग रूम टेम्परेचर, बट इन मेनी केसेस तुमको हाई टेम्परेचर भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहे हैं, तो सारे जो हाइड्रोजन है, राइट, वहाँ पे एडिशन हो रहे, मतलब सारे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन्स ऐड हो रहे एक एक, इजंट इट। तो यहाँ पे जानबूझ के दिखाया है देर आर टू मिथिल ग्रुप, दिस इज ऑर्थोजाइलीन, और अगर मैं एडिशन करता हूँ तो यू कैन सी एडिशन जो है वो एक फेस से ऐड हो रहा है, दोनों जो मिथिल ग्रुप है अल्किल ग्रुप वो ऊपर के साइड में उठ रहे हैं, ओके। सो यू आर बेसिकली गेटिंग सिस आइसोमर ऑफ 1,2-dimethylcyclohexane, ठीक है। ये इस तरह के रिडक्शन रिएक्शंस नॉर्मल नहीं है, वी यूजुअली डोंट रिड्यूस बेंजीन रिंग कम्प्लीटली, ठीक है, दैट इज़ जनरली वॉट वी डू। लेकिन अगर करना है बेंजीन रिंग को रिड्यूस अगर करना है तुमको, तो यू गोना नीड टू यूज़ वेरी हार्श कंडीशंस, समझे, जैसे यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ का अपन फ़ायदा ले सकते हैं, और रादर दैन रिड्यूसिंग द बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई साइड चेन है, ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग हो गई और इसके ऊपर ये साइड चेन है, सो वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द साइड चेन, ओके, बाय वेरियस डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। जैसे यहाँ पे इफ़ आई वांट टू रिड्यूस द डबल बॉन्ड ओनली, ठीक है, इसको मेरे को रिड्यूस करना नहीं है, सो आई कैन यूज़ H2PT, ठीक है। H2PT अगर यूज़ करता हूँ तो मैं सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता हूँ। ऑब्वियसली H2PT इसको भी रिड्यूस करता है, लेकिन इसके साथ इसकी रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, डबल बॉन्ड मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका रिडक्शन थोड़ा स्लो होता है। अगर मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, आई एम गोना एंड अप विद अल्कोहल, ओके। तो यहाँ पे OH ग्रुप आ सकता है, सो वी कैन ऑल्सो डू दैट, बट यू नो वी कैन कंट्रोल द रिडक्शन ऑफ ओनली डबल बॉन्ड इस केस में, ठीक है, दैट इज समथिंग वी कैन डू, राइट। अगर पूरा रिड्यूस करना है कि जस्ट लेट द रिएक्शन गो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा और ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू गेट यू एंड अल्कोहल, ठीक है। इफ़ आई वॉन्ट टू जस्ट रिड्यूस, मान लो कि सिर्फ इसको ही रिड्यूस करना है, ठीक है, सिर्फ डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस नहीं करना है, ओके, सो दैट्स समथिंग वी कैन ऑल्सो डू। वी कैन यूज AlCl4 और NaBH4, ठीक है, इसको अगर यूज़ करता हूँ मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये जो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते, ये वाले जो पाई बॉन्ड है इसको रिड्यूस नहीं करते। व्हाट वी विल गेट एक्चुअली इन दिस केस इज दिस, समझ में आएगा। ऑब्वियसली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और उसके बाद अपने को क्वेंच करना पड़ेगा रिएक्शन को, उसके यू नो लास्ट स्टेप जनरली एसिडिफिकेशन होता है, या फिर अब इसमें वाटर ऐड करते जिसके वजह से ये अल्कोहल बन जाएगा, इजंट इट। जनरली अपन वो दिखाते नहीं है लास्ट स्टेप, जस्ट वी शो इट एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और फिर वर्कअप के स्टेप्स होते हैं जो यू नो इन मेनी केसेस वी डोंट एक्चुअली शो, सो दैट्स व्हाई, बट दिस कैन ऑल्सो बी डन, समझ में। तो यहाँ पे सिलेक्टिवली मैं डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है ना ये, उसको भी रिड्यूस कर सकता हूँ, मतलब अल्किन को रिड्यूस कर सकता हूँ। सिलेक्टिवली आई कैन रिड्यूस कार्बोनिल पाई बॉन्ड, ठीक है, या मैं दोनों को रिड्यूस कर सकता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, समझ में, ओके। सो बिकॉज ये रिएक्शंस क्यों पॉसिबल है, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है दैट इज़ एक्चुअली वेरी टफ टू रिड्यूस, इजंट इट। तो साइड चेन अपन आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो वी हैव
अ बेंजीन रिंग जिसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है, इसे इसको अपन बोल रहे हैं मेटा नाइट्रो, और ये असीटोफिनोन होता है, दिस पोर्शन इज असीटोफिनोन, ओके, और उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप, सो मेटा नाइट्रो असीटोफिनोन बोल रहे हैं इसको अपन, ओके. इसको मैं H2PD से रिड्यूस कर सकता हूँ. सो यहाँ पे देखो, वी कैन रिड्यूस NO2 ग्रुप टू NH2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप को अमीन में कन्वर्ट कर दिया, और जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको मैंने CH2 ग्रुप में रिड्यूस कर दिया. ओके, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. देर आर वेरियस वेज वी कैन डू दिस. मैं सिर्फ ये भी रिड्यूस कर सकता हूँ, NO2 इंटू NH2, ठीक है. ये सिर्फ नाइट्रो बेंजीन को मैं इसमें अमीन में रिड्यूस कर सकता हूँ. इसके लिए भी एक स्पेशल रिएजेंट आता है, FeHCl यूज़ करते हैं, या SnHCl. ओके, अगर ये यूज़ करता हो तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो अमीन ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा विदाउट एक्चुअली रिड्यूसिंग दिस कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है. तो ये सारे रिएक्शंस अपने को आएंगे आगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट यू नीड टू रिमेंबर दीज रिएजेंट्स. ओके, उनका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, ये सब कुछ तुमको मालूम रहना चाहिए. अब हमने लास्ट इसमें, इफ़ यू रिमेंबर, फ्रिडल क्राफ्ट एसीलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन, ये रिएक्शंस देखे थे. तो यहाँ पे देखो, अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है और उसको मैं रिएक्ट करता हूँ अंडर फ्रिडल क्राफ्ट एसीलेशन कंडीशन, फिर फ्रिडल क्राफ्ट एसीलेशन की कंडीशन है, तो मेरे को कीटोन मिलता है, अरोमेटिक कीटोन, ठीक है. एंड आई कैन रिड्यूस यूजिंग H2PD टू दिस. नाउ वी डोंट एक्चुअली यूज नाउ अडेज दिस वन, ओके. H2PD से अपने को अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल बी मिलता है बेसिकली. सो वी डोंट एक्चुअली यूज दिस कंडीशन नाउ अडेज. वी कैन यूज वुल्फ किशनर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन टू डू दिस कन्वर्जन, ठीक है. मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा उस हिसाब से. ओके, वी कैन यूज वुल्फ किशनर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन. या सेकेंडली, यहाँ पे अपन, अगर मैं मान लो फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन करता हूँ, ओके, RX है और AlCl3, ये अल्किलेशन वाली कंडीशन हो गई, तो इसमें मेरे को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोपिल बेंजीन एंड आइसोप्रोपिल बेंजीन. ऑब्वियसली आइसोप्रोपिल बेंजीन इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये रहेगा तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट. द रीज़न फॉर दैट इज, यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले तो कार्बोकैटायन बनेगा, ओके. ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा इनटू इस कार्बोकैटायन में, सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, और यहाँ से मेरे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, इससे मेरे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ओके. ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, तो इससे मेरे को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि अगर आई नीड टू सिंथेसाइज आइसोप्रोपिल बेंजीन, तब भी ये खराब रिएक्शन है, बिकॉज रिमेंबर कि इसमें मेरे को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ओके. ऑल दो दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, बट वी स्टिल गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है. इसको अगर मेरे को बनाना है, मान लो, ओके, इफ आई वॉन्ट टू सिंथेसाइज दिस एज द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली दिस इज अ हॉरेबल रिएक्शन, क्योंकि इसमें ये दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट, ओके, इट्स नॉट अ वेरी गुड रिएक्शन. और इसीलिए वी कैन यूज फ्रिडल क्राफ्ट एसीलेशन रिएक्शन, और उससे फिर आई कैन, यू नो, आई कैन कंट्रोल कि किस तरह से मेरे को प्रोडक्ट चाहिए. यूजिंग फ्रिडल क्राफ्ट एसीलेशन रिएक्शन, आई कैन सिंथेसाइज एन प्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, कोई भी प्रोडक्ट मैं इससे बना सकता हूँ फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन से, ठीक है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना, ओके. नेक्स्ट रिएक्शन जो है, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजिलिक पोजिशन, ओके. हैलोजिनेशन ऑफ बेंजिलिक पोजिशन मतलब साइड चेन है ऑब्वियसली, और उसका हैलोजिनेशन मेरे को करना है, ओके. नाउ रिमेंबर, देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट द रिएक्शन. लेट्स से दिस इज अ बेंजीन रिंग एंड देर इज अ मिथिल ग्रुप, ठीक है. देर आर टू आउटकम्स, ध्यान में रखना है. या वन इज, इफ आई यूज Cl2AlCl3, ठीक है, Cl2AlCl3, ये अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे को जो रिएक्शन मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है. तो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, Cl मिलेगा प्लस ऑर्थो और पैरा मेरे को मिलता है, ठीक है. ये अपन आगे देखेंगे क्यों ऑर्थो और पैरा ही मिलता है, ये अपन आगे देखेंगे, ओके. ऑर्थो क्लोरोटोल्विन एंड पैरा क्लोरोटोल्विन, ये मिल रहा है. इफ आई यूज ओनली Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, ठीक है, अगर ये यूज़ करता हूँ, इन दैट केस मेरे को जो प्रोडक्ट मिलता है
that is going to be this. Understood again? So there are two outcomes depending upon, we have a difference. What is the difference between these two reactions? Okay, we have one reaction जिसमें मेरे को बेंजीन रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूशन हो रहा है एंड देन देर इज दिस रिएक्शन जहाँ पे मेरे को साइड चेन के ऊपर सब्सटीट्यूशन हो रहा है और जो सब्सटीट्यूशन होता है वो बेंजीलिक पोजीशन के ऊपर होता है. ठीक है, दिस इज अ बेंजीलिक कार्बन. जो बेंजीन के ऊपर होता है उसको बेंजीलिक कार्बन बोलते हैं, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको अपन बोलते हैं बेंजीलिक हाइड्रोजन. ओके, सो वी हैव बेंजीलिक कार्बन एंड वी हैव बेंजीलिक हाइड्रोजन. सो व्हेन वी रिएक्ट, ओके, ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर कोई साइड चेन है उसको अगर मैं ऐसे कंडीशन में रिएक्ट करता हूँ, ओके, क्लोरीन है और लाइट या हीट है, इन दैट पर्टिकुलर केस आई एम गोना गेट एंड अप विद बेंजीलिक सब्सटीट्यूशन, साइड चेन सब्सटीट्यूशन मेरे को मिल रहा है. और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, अगर मैं AlCl3 यूज़ करता हूँ, लुइस एसिड कैटलिस्ट यूज़ करता हूँ, तो सब्सटीट्यूशन कहाँ पे हो रहा है? रिंग के ऊपर हो रहा है. डिफरेंस समझ लो क्या हो रहा है. अगर लुइस एसिड कैटलिस्ट यूज़ किया तो रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूशन, नहीं किया, लाइट या हीट यूज़ किया, ठीक है, इसको निकाल दिया मैंने और सिर्फ लाइट या हीट यूज़ किया, तो जो साइड चेन है उसकी जो बेंजीलिक पोजीशन है उसके ऊपर ये सब्सटीट्यूशन होगा. ओके, दिस रिएक्शन बेसिकली इज सिमिलर टू हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन. ओके, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में अपन ने देखा है कि एलिलिक और बेंजीलिक पोजीशन बड़े आसानी से सब्सटीट्यूट होती है. यू गाइस रिमेंबर दैट? इसके लिए वी ऑल्सो यूज NBS या NCS यूज़ कर सकते हैं, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड यूज़ करते हैं, तो एलिलिक और बेंजीलिक पोजीशन बहुत आसानी से हैलोजिनेट होती है. इजंट इट? तो वही है बेसिकली. ओके, जब अपन लुइस एसिड कैटलिस्ट नहीं यूज़ कर रहे तो रिएक्शन बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं होगा. ये समझ में आया क्या? ओके, सो दैट इज योर बेंजीलिक पोजीशन. तो अगर मैं बेंजीलिक ब्रोमिनेशन करना चाहता हूँ तो आई कैन टेक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर कोई साइड चेन लगा हुआ है, प्रोपिल साइड चेन लगा हुआ है, राइट, एंड दैट इज योर बेंजीलिक पोजीशन, इजंट इट? ओके, दैट इज योर बेंजीलिक पोजीशन, बेंजीलिक कार्बन एंड बेंजीलिक हाइड्रोजन. आई यूज ब्रोमीन एंड लाइट और हीट. ठीक है, तो बेंजीलिक जो कार्बन है उसी के ऊपर सब्सटीट्यूशन होगा. देयर मस्ट बी अ बेंजीलिक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही सब्सटीट्यूट हो रहा है ना. यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे बेंजीलिक, अब एक ही बचा है. ओके, सो ये बेंजीलिक हाइड्रोजन होना जरूरी है ऑब्वियसली, तभी ये हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगा. ओके, बेंजीलिक इसलिए क्योंकि देखो ये जो कंडीशन यूज कर रहे हैं इसमें जो इंटरमीडिएट यूज हो रहा है कौन सा है? रेडिकल. ओके, रेडिकल और इंटरमीडिएट, तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन सा रहेगा? इजंट इट? बेंजीलिक रेडिकल बनेगा. बेंजीलिक रेडिकल इज वेरी स्टेबल. ओके, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी या प्राइमरी, एज कम्पेयर टू एनी अदर रेडिकल दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड. ये कंपाउंड से और कोई भी तुम रेडिकल बनाओ, ठीक है, तो सबसे स्टेबल कौन सा रहेगा? बेंजीलिक वाला. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बेंजीलिक सब्सटीट्यूशन सबसे पहले होता है. समझ में आया? उसी तरह से मैं क्लोरीनेशन भी कर सकता हूँ बेंजीलिक. ये टोलविन ले लिया मैंने और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देखो बेंजीलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोरीनेशन थोड़ा सा सिलेक्टिव नहीं होता, थोड़ा सा कम सिलेक्टिव होता है. सो इफ यू डू क्लोरीनेशन ऑन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे यू हैव बेंजीलिक पोजीशन एंड एज वेल एज अल्फा एंड बेटा कार्बन है ना, वो भी है, तो सबसे ज़्यादा तो अपने को मिलेगा जहाँ पे बेंजीलिक सब्सटीट्यूशन हो, दैट इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. लेकिन बाकी पोजीशन पे भी सब्सटीट्यूशन होगा. यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल सब्सटीट्यूशन दैट कैन टेक प्लेस, isn't it? So that is also possible. So you can also have this type of compound formed, CCl2, CH2, CH3. देखो दो बार substitution हो गया, isn't it? So this is also possible. So you can get mixture of product. ठीक है, you don't have to worry about it for now. But benzylic substitutions are preferred when you do this type of reaction. Yeah? So ध्यान में रखना है कि benzylic ही substitute, benzylic hydrogen ही substitute होगा. When you react a benzene ring with a side chain in presence of chlorine and light or heat. ठीक है, obviously जैसे मैंने बताया, अगर benzylic hydrogen absent है, benzylic hydrogen मान लो कि है ही नहीं, तो halogenation नहीं होगा benzylic position पे, isn't it? Simply not possible. जैसे यहाँ पे I have two groups, methyl group है,
टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है. ओके, देर इज अ बेंजेलिक हाइड्रोजन ऑन दिस वन. ओके, लेकिन इस कार्बन के ऊपर देर इज नो बेंजेलिक हाइड्रोजन. बराबर है, दिस इज अ बेंजेलिक कार्बन बट देर इज नो बेंजेलिक हाइड्रोजन. तो अगर मैं हैलोजिनेशन करता हूँ तो इस पोजिशन पे देखो हैलोजिनेशन हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन है, ये टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन ले लिया और मैं इसको रिएक्ट करता हूँ विद Cl2 एंड लाइट, नो रिएक्शन. समझ में आ रहा है क्या? या अगर मैं इसको हार्श कंडीशन में करता हूँ तो ये जो हाइड्रोजन्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन बेंजेलिक के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. इन ऑल केसेस अपने को ध्यान में ये रखना है कि सिंस देर इज नो बेंजेलिक हाइड्रोजन, देर विल नॉट बी एनी रिएक्शन. ओके, जैसे बेंजेलिक पोजिशन रिएक्टिव है वैसे एलिलिक पोजिशन भी रिएक्टिव है, इजंट इट? तो अगर मैं एलील कंपाउंड लेता हूँ कोई, सो दिस इज योर एलिलिक पोजिशन, इजंट इट? तो ये एलिलिक कार्बन, एलिलिक हाइड्रोजन, तो ये पोजिशन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन द सेम वे. ओके, सो बेंजेलिक और एलिलिक ये सिमिलर रिएक्टिविटी दिखाते हैं. बेंजेलिक इज मोर रिएक्टिव, एलिलिक थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, बट इट इज़ ऑल्सो रिएक्टिव. और यहाँ पे एलिलिक रेडिकल मिलेगा अपने को, विच इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट एज, एटलीस्ट ऑलमोस्ट एज स्टेबल एज सेकेंडरी रेडिकल. बराबर है ना? सो दैट्स वाई यू गेट दीज सब्स्टिट्यूशन. ओके, बेंजेलिक एंड एलिलिक पोजिशन पर ज़्यादा जनरली सब्स्टिट्यूशन होगा इस करीब. नाउ ध्यान में रखना, अगर मैं यहाँ पे Cl2 तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं कैटलिस्ट अगर यूज़ कर लिया AlCl3, तो अब बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, बेंजीन रिंग पे कहाँ पे होगा वो अपन आगे देखेंगे, कोई एक पोजीशन पे होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन है. अब जो बेंजेलिक सब्स्टिट्यूशन है वो नहीं होगा. यू कैन यूज़ एन ब्रोमोसक्सेनामाइड या एन क्लोरोसक्सेनामाइड. ओके, एन ब्रोमो, ओके, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड. उसी तरह से यू हैव एन क्लोरोसक्सेनामाइड, NCS. NBS से ब्रोमिनेशन करेंगे, NCS से क्लोरिनेशन करेंगे. और ये जो रिएजेंट है दे आर एक्चुअली वेरी कॉमनली यूज्ड टू जनरेट रेडिकल्स. ठीक है, मतलब ये ब्रोमीन रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल जनरेट करने में काम आते हैं. मतलब जब भी अपन NBS या NCS यूज करते हैं तो वी गेट रेडिकल मैकेनिज्म. ठीक है, एंड दीज आर स्लो रिएक्टिंग. स्लो रिएक्टिंग रहने के वजह से, ठीक है, वट वी गेट इज एक्सक्लूसिवली बेंजेलिक या एलिलिक पोजिशन पे. समझ में आया? दे आर स्लो रिएक्टिंग. और जैसे अपने को इसके पहले भी अपन ने पढ़ा है कि जो स्लो रिएक्ट होता है वो ज़्यादा सेलेक्टिव होता है. सो वी गेट बेंजेलिक एंड एलिलिक एक्सक्लूसिव सब्सटीट्यूशन. समझ में आया? NBS और NCS तुम बोल सकते हो कि दे आर वेरी गुड इन डूइंग बेंजेलिक एंड एलिलिक सब्सटीट्यूशन. ठीक है, अगर तुमको ये करना है, बेंजेलिक या एलिलिक सब्सटीट्यूशन करना है, उसके लिए तुमको NBS या NCS यूज़ कर. यू कैन ऑल्सो यूज़ क्लोरीन एंड लाइट, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. लेकिन जैसे मैंने तुमको बताया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कंट्रोल दोज रिएक्शन. मल्टीपल सब्सटीट्यूशन मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. लेकिन अगर मैं NBS और NCS यूज़ करता हूँ तो ये बहुत अच्छी तरह से बेंजेलिक पोजिशन पर या एलिलिक पोजिशन पर सब्सटीट्यूशन करवाते हैं. एंड आई हैव एक्चुअली यूज्ड NBS. ओके, NBS मैंने यूज़ किया है फॉर ब्रोमिनेशन. पाउडर आता है बेसिकली, इट्स कैन लाइक येलोइश पाउडर होता है आई थिंक, एंड यू कैन ईजिली मेजर इट. जितना तुमको जैसे वन इक्वलेंट अगर सब्सटीट्यूशन करना है 1:1, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रेशो है, ओके, वो 1:1 का रेशो है, तो मैं बराबर इसको मेजर करूँगा, इसको मेजर करूँगा इक्वलेंट वेट के हिसाब से, और फिर इनको दोनों को मिक्स कर दूँगा एंड वी विल गेट बराबर मोनो सब्सटीट्यूशन मिलेगा मेरे को. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज NBS एंड NCS बिकॉज यू कैन वेरी ईजिली मेजर इट. समझ में आना? ऑलराइट, सो यू कैन सी दैट हियर अगेन दिस इज द बेंजेलिक पोजिशन. इसी बेंजेलिक पोजिशन पर तुमको सब्सटीट्यूशन दिख रहा है. ओके, NBS से वजह से बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूशन नहीं होगा विथ दिस रिएजेंट. ओके, दैट इज NBS. तुमको स्ट्रक्चर ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखो, NBS ध्यान में रखो. ठीक है, यहाँ पे देखो एलिलिक पोजीशन है ये, एंड यू कैन ईजिली सब्सटीट्यूट एन एलिलिक पोजीशन. हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. बताओ, इसको आंसर करो जल्दी. तो यहाँ पे इसका सबसे पहले देखो कंडीशन क्या है. ब्रोमीन है, लाइट है,
इसका मतलब बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन साइड चेन पे होगा। अब साइड चेन पे कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजेलिक पोजीशन पे। कौन सी है बेंजेलिक पोजीशन, पहला कार्बन, बेंजीन रिंग के ऊपर का पहला कार्बन, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ऑल यू हैव टू डू इज टू लुक फॉर दैट, दैट इज़ द फर्स्ट कार्बन एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देर इज नो रीअरेंजमेंट, नथिंग, ओके, दैट इज द रीजन वाई दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक्चुअली, और मोस्ट मेजर प्रोडक्ट। ओके, एंड ये फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द बेंजेलिक रेडिकल, या दैट इज द रीजन वाई दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। देखो अभी अपन ने साइड चेन का हैलोजिनेशन देखा, ओके, अब अपन देख रहे हैं साइड चेन का ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑल्सो अ वेरी ईजी रिएक्शन, बहुत ही आसान रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट मिलता है। सो अगर कोई मान लो कि बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर कोई साइड चेन है, दैट इज़ द साइड चेन, और इसको अगर मैं KMnO4 के साथ रिएक्ट करता हूँ, राइट, नाउ KMnO4 किस तरह का रिएजेंट है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब आई यूज़ टू यूज़ दिस फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग, राइट, एंड मतलब ये जैसे थोड़ा सा भी कपड़े वपड़े के ऊपर गिर जाए तो इट वुड बेसिकली बर्न द क्लॉथ इट्सेल्फ। ओके, क्लॉथ जो होता है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, पहले तो वाइट कर देगा उसको, जो भी कपड़ा है, एंड देन इट विल बेसिकली फॉल अपार्ट, जैसे एसिड गिरता है उस तरह का ये होता है बेसिकली। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इट्स अ पर्पल कलर्ड का सोल्यूशन होता है इसका। ओके, एंड जस्ट मिक्स इट विथ दैट एंड यू लेट इट गो, दैट्स इट, राइट। सो क्या होगा, कोई भी अगर अल्किल साइड चेन है, इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू कार्बोक्सिल ग्रुप। कोई भी अल्किल साइड चेन, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, कोई भी अल्किल साइड चेन, इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू कार्बोक्सिल ग्रुप। इट डजेंट रियली मैटर वॉट द आर ग्रुप इज, एज फार एज देर इज अ बेंजेलिक हाइड्रोजन, ठीक है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन टू बेंजोइक एसिड। सो दैट इज द ओनली प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू टेक प्रोपिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन ले लिया, KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज किया, लुक एट द प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड। इफ यू टेक समथिंग लाइक टोलविन फॉर एग्जाम्पल, टोलविन ले लिया और इसको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया KMnO4 के साथ, इवन इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट बेंजोइक एसिड। इथिल बेंजीन को ऑक्सीडाइज किया तो भी बेंजोइक एसिड, प्रोपिल बेंजीन को ऑक्सीडाइज किया तो भी बेंजोइक एसिड, बिकॉज दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट, समझ में आया। सो एनी अल्किल साइड चेन विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, देर मस्ट हैव एटलीस्ट वन बेंजेलिक हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन बेंजेलिक हाइड्रोजन होना जरूरी है। आई कैन ऑल्सो टेक समथिंग लाइक आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है ना, आइसोप्रोपिल बेंजीन भी लिया तो भी ये मेरे को यही प्रोडक्ट देगा, लेकिन टर्शियरी ब्यूटिल लिया तो नो चांस, बिकॉज देर इज नो बेंजेलिक हाइड्रोजन, इजंट इट। अगर मैंने टर्शियरी ब्यूटिल लिया तो बेंजेलिक हाइड्रोजन नहीं है, अब रिएक्शन नहीं होगा, अंडरस्टूड। सो बेंजेलिक हाइड्रोजन रहना जरूरी है। यू कैन टेक यू नो मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, ये सारे ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू बेंजोइक एसिड, ठीक है, बट अगर टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप लिया तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी एज इट इज, ठीक है। अगर मान लो इस तरह का ये है, ठीक है, और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ KMnO4, सो वॉट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, ये मिथिल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप जो है वो जैसे के वैसे ही रहेगा, समझ में आएगा। सो बिकॉज इट डजंट हैव बेंजेलिक हाइड्रोजन, इट विल स्टे एज इट इज। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन ये जो होता है, ओके, ये अपन ने ऑलरेडी यूज़ किया है, जैसे अल्काइन अगर है, ओके, इफ़ यू टेक एन अल्काइन, जैसे अपन ने ये ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ठीक है, इस तरह का अल्काइन ले लिया और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ Na इन अमोनिया, ये बर्च रिडक्शन की कंडीशन है। सो एनीबडी रिमेंबर व्हाट द प्रोडक्ट इज, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे? सो व्हाट वी गेट इज ट्रांस
ब्यूट टू इन, ठीक है ओके। एंड ये बेसिकली अगर लिंडलास कैटलिस्ट यूज करते तो सिस मिलता है, बर्च रिडक्शन करते तो ट्रांस मिलता है, वी हैव सीन दिस रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे इट्स ऑल्सो इट्स बेसिकली अ रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि सोडियम गिव्स द इलेक्ट्रॉन और अमोनिया जो है, अमोनिया सोल्यूशन दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स द हाइड्रोजन, ठीक है, एंड दैट्स हाउ द रिडक्शन एक्चुअली हैपन्स, यू गेट ट्रांस एज द प्रोडक्ट, ओके। नाउ यहाँ पे जब अपन बेंजीन के साथ करते हैं तो जो टर्मिनल पोजिशंस है दे गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, दे गेट रिड्यूस्ड। यहाँ पे अपन अल्कोहल यूज़ करते हैं दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स द हाइड्रोजन, ओके, अल्कोहल का जो ओ एच ग्रुप है दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स द हाइड्रोजन, और ये जो टर्मिनल पोजिशंस होते हैं दे गेट रिड्यूस्ड। तो तुमको जो मिल रहा है बेसिकली दैट इज साइक्लोहेक्साडाइन, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन, ये प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे अरोमेटिक कैरेक्टर ऑब्वियसली ब्रेक हो चुका है, दिस इज नॉट एन अरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज नॉन अरोमेटिक कंपाउंड, नॉन अरोमेटिक, इसी को अपन एलिफैटिक भी बोल सकते हैं, साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है ना। जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन नॉन अरोमेटिक या एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं, सो यू नो देयर इज नो कॉन्जुगेशन, सो दैट्स द रीजन व्हाई, ठीक है। सो बर्च रिडक्शन के लिए जो कंडीशन अपन यूज करते हैं, वी यूज सोडियम और लिथियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया एंड अल्कोहल, समझ में आए, ओके, सोडियम या लिथियम मेटल इन अमोनिया एंड वी ऑल्सो यूज अल्कोहल, ठीक है, सो यू ऑलवेज गेट दैट। अगर इस तरह का कंपाउंड प्रोडक्ट है मान लो, ओके, जैसे नेफ्थलीन है बेसिकली, राइट, सो यू कैन रिड्यूस दीज पोजिशंस, टर्मिनल पोजिशंस, दीज कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड एंड यू गेट दैट, समझ में आया। दैट्स अबाउट 70-80%, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट यू गेट, ओके। सो इसका जो मैकेनिज्म है, देर आर मेनी स्टेप्स टू इट, यू डोंट एक्चुअली हैव टू मेमोराइज द मैकेनिज्म, बट एक बार दिखा देता हूँ मैं तुमको। राइट, सोडियम एंड लिथियम मेटल जो है दिस आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिमेंबर दैट। ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इवन मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो मेटल्स होते हैं, रिएक्टिव मेटल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड दे ब्रिंग द रिडक्शन, ओके। तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट इज बाय सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम या लिथियम बेसिकली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजीन ये इलेक्ट्रॉन पिकअप करेगा, यू गेट अ रेडिकल, दिस इज अ रेडिकल अनायन, ठीक है, यू सी दैट, ये यहाँ पे अनायन है, यहाँ पे रेडिकल है, ये जो अनायन है ये जाके हाइड्रोजन पिकअप करेगा एंड यू गेट रिडक्शन ऑफ द फर्स्ट पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे रेडिकल बचा हुआ है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा बाय सोडियम और लिथियम, ठीक है, इज गोइंग टू डोनेट वन मोर इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स एन अनायन, और फिर से ये जो अनायन है ये दूसरा हाइड्रोजन पिकअप करेगा, यू गेट रिडक्शन ऑफ दीज टू पोजिशन, ठीक है। सो इट ऑलवेज दीज टर्मिनल पोजिशंस दे गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, समझ में आएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एंटायर मैकेनिज्म, बट मतलब हाईलाइट ये है कि इफ़ यू लुक एट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, ओके। सो फॉर वन रिडक्शन रिएक्शन यू नीड 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल या 2 मोल्स ऑफ लिथियम मेटल, ओके। यू ऑल्सो नीड 2 हाइड्रोजन एटम, इसलिए 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, समझ में आए। सो यू कैन मॉडिफाई दिस, यू कैन से दिस वन, राइट, यू कैन से दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, क्लियर है क्या, दैट्स हाउ द रिएक्शन एक्चुअली हैपन्स, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पोर्शन अपन देख रहे हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखो और ध्यान से समझ लो, दिस इज नॉट अ रिएक्शन, ठीक है, दिस इज नॉट अ रिएक्शन, वी आर डिस्कसिंग अ कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। इशू ये है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर मिथिल ग्रुप है, दिस इज टोलवीन, इजंट इट, दिस इज अ टोलवीन, और इसको मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूँ यूजिंग क्लोरीन एंड AlCl3, सिमिलरली आई कैन ऑल्सो डू ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लुइस एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, इजंट इट, लुइस एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्लोरीनेशन कहाँ पे होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। अगर ये लुइस एसिड कैटलिस्ट नहीं होता तो क्लोरीनेशन मिथिल ग्रुप पे होता, इजंट इट, बट सिंस वी आर यूजिंग द लुइस एसिड कैटलिस्ट, क्लोरीनेशन विल अकर ऑन द बेंजीन रिंग, ओके। नाउ देर आर 3 पॉसिबल प्रोडक्ट, इजंट इट, वी आर डूइंग मोनोक्लोरीनेशन, ध्यान में रखना, या एंड देर आर 3 पॉसिबल प्रोडक्ट, 1, 2 एंड 3, सो यू कैन गेट ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन,
or metachlorotoluene or parachlorotoluene. Which of these three is going to be the major product? Isme preferred product kaun sa rahega? So, and this is something we want to know, ki what is going to be the major product. So, yahan pe apan kya kar rahe? We are doing monochlorination. So, we can have three products. Okay. Isme se kaun sa major product rahega? Ye apne ko decide karna hai. Theek hai? Now, there is a way to decide it. Okay. Yehi apne ko sikhna hai. That is the highlight of this section. Dhyan mein rakhna. So, just say for example, I can do some different reaction. Doesn't really matter. Say NO2 group hai. Okay, and I do Friedel-Crafts alkylation reaction, CH3Cl, AlCl3. Ye hai Friedel-Crafts alkylation reaction, right? Now obviously jo product banega, okay, that is going to be somewhere there is a methyl group. To ye jo position hai, that can either be ortho, meta or para, isn't it? So how do I decide if the substitution will occur at any one of these three positions? Isn't it? किस तरह से मैं डिसाइड कर सकता हूँ? So there are so what is going to happen basically? Who is going to decide कि ये positions कौन से position पे substitution होगा? Isn't it? And this is actually decided by that substituent. Okay? ये जो already present substituent है, ये decide करेगा कि next substitution कौन से position पे होगा? Either ortho, meta or para. ठीक है? So we need to know how this substituent is deciding ki next substitution kahan pe hoga. Okay, that is something we need to learn. So substituent that is already present on the benzene ring, okay, jo already present a benzene ring ke upar, it can affect the reaction of benzene in two ways. Do tarah se ye reaction ko affect karta hai. So let's go back to that reaction again. Okay, सबसे पहले तो ध्यान में रखो कि there is this substituent, some substituent, doesn't have to be NO2, you can take any substituent, ठीक है? If I compare the rate of this reaction with a normal benzene ring, ठीक है? और यहाँ पे भी, अब यहाँ पे तो obviously there is no substituent, there is just one substituent, so कोई issue ही नहीं है, isn't it? CH3 group मेरे को मिलेगा. Let's call the rate of this reaction as rate 1 and iska jo rate hai isko rate 2 bolte hai apan. Okay, rate bole to speed. So pehla cheez hai ki will this substituent increase or decrease the rate of the reaction with respect to this. Okay, so basically what we need to know ki kaun sa bada hai, R1 bada hai ya R2 bada hai, theek hai? Matlab अगर R1 बड़ा है तो क्या बोलेंगे अपन कि NO2 ने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया. ओके, okay? जो रिएक्शन थी उसको स्पीड अप कर दिया. और अगर कम हो जाता है तो बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया है. ठीक है, अगर रेट इंक्रीज हो रहा है मान लो, तो जो ग्रुप है उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है, उसी तरह से अगर रेट डिक्रीज होता है तो उसको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, उस ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. समझ में आया क्या? ये अपन कंपेयर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन इटसेल्फ. तो बेंजीन को रिएक्ट कर रहे हैं अपन और देख रहे हैं कि रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. ओके, व्हेन देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग. ओके, ये एक देख रहे हैं. दूसरा अपन देख रहे, इसको बोलते हैं अपन रिएक्टिविटी इफेक्ट. इसको क्या बोल रहे हैं अपन? रिएक्टिविटी इफेक्ट. ओके, मतलब कि रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इतना ही अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दूसरा इफेक्ट होता है, मतलब ये जो ग्रुप प्रेजेंट है इसका दूसरा इफेक्ट रहेगा, वो रहेगा ओरिएंटेशन इफेक्ट. ओके, इसका मतलब ये जो पोजीशंस है उसमें से कौन से पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन होगा, इसको अपन बोल रहे हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट. ठीक है, तो दो चीज़ें अपने को देखना है कि ये जो ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, उससे एक तो रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, ये अपने को देखना है. एक्टिवेट हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है, ये अपने को देखना है. दूसरा अपने को देखना है कि ओरिएंटेशन क्या है, ऑर्थो पे जा रहा है सब्स्टिट्यूशन, मेटा पे जा रहा है या पैरा पे जा रहा है, या ऑर्थो और पैरा पे जा रहा है, ये अपने को देखना है. ठीक है, तो दो इफेक्ट अपने को देखने हैं, रिएक्टिविटी इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट. सो पहला जो इफेक्ट अपन यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली रिएक्टिविटी इफेक्ट.
ठीक है, रिएक्टिविटी इफेक्ट। जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, इट कैन मेक द रिएक्शन आइदर गो फास्टर और स्लोअर विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन। समझ में आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन ही अपन कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो ग्रुप, सो बेसिकली वी आर, व्हाट वी आर डूइंग इज, लेट्स टेक अ बेंजीन रिंग एंड डू सम रिएक्शन, ठीक है, एंड लेट्स टेक अ बेंजीन रिंग विथ अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन इट, ओके, लेट्स से देयर इज अ ग्रुप प्रेजेंट ऑन इट एंड डू द रिएक्शन, और कंपेयर करो ये दोनों के रेट के रिएक्शन को। अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो ये जो ग्रुप है दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं रिएक्टिविटी इफेक्ट, ओके। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। समझ में आया, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, ओके, एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। समझ में आया, एक्टिवेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्ट और रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग, इजंट इट। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं फॉर द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ओके। और सेकंड इफेक्ट जो होता है वो होता है डायरेक्टिंग इफेक्ट, कि ये जो ग्रुप प्रेजेंट है वो किस तरह से नेक्स्ट इनकमिंग जो ग्रुप है उसको डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्थो पोजिशन पे करेगा या मेटा पोजिशन पे करेगा या पैरा पोजिशन पे करेगा, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये इसको अपन बोल रहे हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट, ठीक है। और ये दोनों इफेक्ट जो है एक्टिवेट, मतलब रिएक्टिविटी इफेक्ट एंड डायरेक्टिंग इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट को रिलेटेड है, दे आर कनेक्टेड। समझ में आया ना, ये दोनों इफेक्ट कनेक्टेड है, ये अपन देखेंगे अभी। तो कोई भी ग्रुप जो है, ओके, एक्टिवेटिंग रहो या डीएक्टिवेटिंग रहो, ओके, वेदर देर इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग और देर इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग को कैसे कर रहा है, ठीक है। समझ लो, जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब मान लो कि देर इज अ ग्रुप यहाँ पे, अब ये जो ग्रुप है ये सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप है, वी डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है, एंड देन देर इज अ रिएक्शन, सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन एक्चुअली हैपन्स ऑन द बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है, ये इलेक्ट्रोफाइल है अपना, ये रिएक्ट होगा बेंजीन रिंग के साथ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर, जिस जो बेसिकली इट लव्स इलेक्ट्रॉन, इजंट इट, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है ना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये होता है, इट इज़ डिफिशियंट इन इलेक्ट्रॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, मतलब इसको अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा ना बेंजीन रिंग के ऊपर, इजंट इट। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा वाया आइदर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट और बोथ। समझ में आए, ग्रुप क्या कर रहा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग आइदर वाया रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी पाई बॉन्ड की, तो ये जो है ये इसके तरफ खींचा चला आएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। सो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं दे मेक्स द बेंजीन रिंग मोर रिएक्टिव by donating the electron to the benzene ring. समझ में आया, सो इसेंशियली वॉट वी कैन से इज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है ना, इसको अपन प्यार से EDG बोलेंगे, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, अंडरस्टूड है ये। तो अपन सीधा सीधा ध्यान में रखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब मान लो कि ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ये दोनों का जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेक्स द बेंजीन लेस रिएक्टिव, समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ दो तरह से किया जा सकता है, अगेन आइदर वाया रेजोनेंस और वाया इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, दो में से किसी भी एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ज़्यादा बेंजीन को ये लेस रिएक्टिव करेगा,
ठीक है. इन अदर वर्ड वी कैन से द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे EWG. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं? एक्टिवेटिंग होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ये रिएक्टिविटी को बेंजीन की कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है. ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है वो दोनों इफेक्ट दिखाते हैं, विड्रॉइंग इफेक्ट भी दिखाते हैं और डोनेटिंग इफेक्ट भी दिखाते हैं, और जो भी स्ट्रांग इफेक्ट रहेगा वो डोमिनेट करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल OH ग्रुप, ठीक है, या फिर यू कैन टेक NH2 ग्रुप. ठीक है, अब बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान में रखना, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये वाया इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा. सेम थिंग विथ नाइट्रोजन, है ना, इंडक्टिवली ये क्या कर रहा है, मतलब दिस इज बेसिकली इट इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट. ओके, दोनों ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन देर इज ऑल्सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जा सकते हैं, सो दे आर ऑल्सो शोइंग रेजोनेंस इफेक्ट, ओके, प्लस आर इफेक्ट. सो इंडक्टिवली दे आर एक्चुअली विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन, बट रेजोनेंस की वजह से दे आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, और रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड दैट इज द रीजन वाई ये इफेक्ट डोमिनेट करेगा. समझ में आया क्या? सो इन दिस पर्टिकुलर केस रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट. सो OH ग्रुप और NH2 ग्रुप ये कैसे रहेंगे? दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप. जब ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर तो बेंजीन की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इट रिएक्ट्स मच मोर फास्टर. ओके, सेम थिंग गोज फॉर हैलोजन्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं Cl ले लिया, ठीक है, सो अगेन हैलोजन विल विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन वाया इंडक्टिव, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट मिलेगा, एंड देर इज ऑल्सो रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन हैलोजन्स का रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रांग नहीं होता और इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग होता है. ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं होता, मतलब ये जो दो इफेक्ट है दे बेसिकली काइंड ऑफ लाइक मैच. ओके, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली से व्हाट हैपन, हम जो देखते हैं. ओके, मतलब ये डिफिकल्ट है कौन सा इफेक्ट स्ट्रांग है कौन सा, हम जो देखते हैं वो प्रैक्टिकल जो अपन देख रहे हैं बेसिकली वो अपन बताते हैं. ठीक है ना, वो मैं तुमको आगे बताऊंगा हैलोजन केस में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हैलोजन्स के केसेस में दोनों इफेक्ट नियर अबाउट सेम के आसपास आ रहे हैं. ओके, ऑलराइट, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स देखो कौन से होते हैं. एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेंगे, इतना तुमको ध्यान में रखना है. ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग वाया रेजोनेंस और वाया इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों में से किसी भी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा सकते हैं. ठीक है, सो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे. ठीक है, तो कौन से ग्रुप है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, देखो कौन से है. ऑक्साइड आयन, मतलब ये हो गया फिनॉक्साइड आयन, बेंजीन रिंग है, ऑलराइट, और इसके ऊपर O माइनस है. ठीक है, अब ये O माइनस इट कैन डायरेक्टली डू द रेजोनेंस, बेंजीन रिंग को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं यूजिंग दिस, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये फिनॉक्साइड आयन जो है उसका जो O माइनस है दैट इज़ वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग. ओके, सिमिलरली NH2 ग्रुप NHR ग्रुप, देखो यहाँ पे देर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल ऑफ दिस, इजंट इट, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे बेंजीन रिंग को वाया रेजोनेंस, and therefore these are strong electron donating group. ठीक है, if you go from top to bottom जो effect है वो decrease हो रहा है. ठीक है, these are all strong लेकिन top to bottom ये decrease हो रहा है. okay, NH2 ये सबसे ज़्यादा strong, उसके बाद weak 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 इस तरह से हो रहा है. moderately activating groups होते हैं NHCOR, मतलब जैसे benzene ring है NH C double bond O R, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है. इसके ऊपर देखो देर इज अ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी डोनेटेड टू द बेंजीन रिंग, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका रेजोनेंस इधर भी आता है और इधर भी आता है, मतलब ये डिवाइड हो रहे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
तो इसलिए कम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं बेंजीन रिंग को, एंड दैट्स व्हाई इट इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप. ये तुमको ध्यान में रखना है, दिस इज बेसिकली एन अमाइड ग्रुप, ठीक है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप. उसी तरह से एसिटेट ग्रुप, ठीक है ना, इसमें देख लो बेंजीन रिंग, ऑलराइट, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अपन अप्लाई कर रहे हैं. देर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी डोनेट किए जा सकते हैं और उधर भी डोनेट किए, सो डिवाइड हो रहे, तो जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो शेयर हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे आर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप. समझ में आया क्या? सो ये हो गया तुम्हारा एस्टर ग्रुप और ये हो गया अमाइड ग्रुप. एस्टर ग्रुप एंड ये अमाइड ग्रुप, दीज आर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है. वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं कोई भी आर ग्रुप, ठीक है, कोई भी आर ग्रुप, इथिल मिथिल, है ना, प्रोपिल ब्यूटिल, जितना बड़ा ग्रुप उतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग रहेगा, ठीक है, बट दे आर ऑल वीकली एक्टिवेटिंग. और बेंजीन रिंग दैट कैन ऑल्सो बी एन माइल्डली एक्टिवेटिंग ग्रुप, बहुत माइल्डली, ठीक है. सो तुमको ध्यान में क्या रखना है इसमें, तुमको ऑब्वियसली ये तीनों कैटेगरी के वाइज ध्यान में रखना है. ओके, यू नीड टू रिमेंबर विच वन इज स्ट्रांगली, विच वन इज मॉडरेट एंड विच वन इज वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. ओके, इस केस में तुमको ऑर्डर भी ध्यान में रखना है, ये ऑर्डर ध्यान में रखना है. ओके, इस केस में, ये बाकी तो ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है वो ऑर्डर तुमको ध्यान में रखना है. जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है. अब तुमको ध्यान में आना चाहिए कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, है ना, ओ माइनस है, ओ एच ग्रुप है, ओ आर ग्रुप है, एन एच टू ग्रुप है, एन एच आर ग्रुप है, है ना, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो है एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है. अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा उसको डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, दोनों तरफ डायरेक्ट करते हैं. मतलब कि जैसे अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, मान लो जैसे मैंने यहाँ पर एन एच टू ग्रुप ले लिया, एन एच टू ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे मैंने इसको रिएक्टन कर दिया, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, वाई, बिकॉज देर इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा. सेकंड, ये मिथिल ग्रुप कौन से पोजिशन पर लगेगा, ऑर्थो मेटा या पैरा, बिकॉज देर इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो जो मिथिल ग्रुप लगेगा दैट इज गोइंग टू बी एट ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सी एच थ्री मिलेगा प्लस पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा. समझ में आया क्या? ओके, सो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स दीज आर गोइंग टू बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मतलब ऑर्थो आइसोमर भी मिलेगा और पैरा आइसोमर भी मिलेगा. ओके, अब ये हो सकता है कभी कभी कि एक ही कंपाउंड में सब मिल जाए, यहाँ पे भी सी एच थ्री, यहाँ पे भी सी, इट डिपेंड्स अपॉन दिस ग्रुप दैट इज प्रेजेंट. अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशंस एक साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे. ओके, नहीं तो तुमको ऑर्थो प्लस पैरा आइसोमर मिलेगा, ये अपन देखेंगे आगे. ओके, फिलहाल अपने को ये देखने की जरूरत नहीं है. तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो प्लस पैरा आइसोमर मिलेगा, ध्यान में रहेगा ये, इतना तुमको ध्यान में रखना ही है, ठीक है. एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दे आर ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. नेक्स्ट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं. ओके, तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देख लो, NO2, ओके, NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है. यू हैव अमोनियम आयन, बेसिकली NR3+ या NH4+, ये जो है ना अमोनियम आयन, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दीज आर वेरी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ध्यान में रखना. ओके, सो ध्यान में रखना NO2 और अमोनियम आयन, ओके, सब्स्टिट्यूटेड या जस्ट नॉर्मल. उसके बाद हैलोजिनेटेड कंपाउंड, देखो हैलोजन्स वैसे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इजंट इट, और CF3CCl3 अगर लेते हैं दे आर ऑल्सो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. ओके, और CN ग्रुप जो होता है, साइनो ग्रुप, दैट इज ऑल्सो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. सल्फोनिल ग्रुप जो होता है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. तो ये जो ग्रुप्स है दीज आर वेरी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सबसे स्ट्रांग होता है NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप इज द स्ट्रांगेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है.
देन यू हैव ऑल्सो हैव सल्फोनिल ग्रुप, ये सारे तो तुमको ये ध्यान में रखना है. दीज आर एक्चुअली स्लाइटली मॉडरेट में ही आएंगे एक्चुअली ये. आई डोंट थिंक दे आर वेरी स्ट्रांग, सो मे बी दे शुड बी ऑन दिस साइड आई गेस. बट ये डिपेंड करता है कितने हैलोजन्स हैं उसके ऊपर. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर CF3 है. ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी, बिकॉज तीन हैलोजन है, तीन हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग. बट अगर जैसे एक ही हैलोजन प्रेजेंट है, ओके, जैसे मान लो कि CH2Cl एक ही हैलोजन प्रेजेंट है, इट इज़ गोइंग टू बी माइल्डली या मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग. सो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दैट पोजिशन. ठीक है, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस ग्रुप्स एज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. इसको लिख लो एक पेज के ऊपर, छोटे से पेज के ऊपर इसको लिख लो और दीवार पे चिपका दो और इसको याद करो. ओके, ये ग्रुप्स जो है तुमको सिर्फ यहीं पे काम में नहीं आएंगे, ये सिर्फ यहीं पे काम में नहीं आएंगे, ये तुमको पूरे केमिस्ट्री में काम में आएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी यूजफुल टू यू इन एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज वाई, दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ टॉप प्रायोरिटी थिंग. इन ग्रुप्स को लिख लो, दीवार पे चिपका दो, देखते रहो, उसको याद करते रहो. ठीक है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में आते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, एस्टर ग्रुप, अल्डेहाइड, कीटोन, ये ग्रुप्स जो है. सिमिलरली डेरिवेटिव्स जो आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, एसिल हैलाइड हो गए, अमाइड्स हो गए. सो दीज आर अमाइड्स बोले तो ऑन द अदर साइड, या मतलब जब कार्बन को प्रेजेंट होता है, सो व्हेन दे आर कनेक्टेड टू अदर साइड. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है, अमाइड हो गए. सो ये भी डीएक्टिवेटिंग रहेगा, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग. ओके, एंड देन हैलोजन्स. ऑलराइट, हैलोजन्स में फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द हैलोजन्स एंड दे आर वीकली डीएक्टिवेटिंग. ठीक है, सो ये तुमको ध्यान में रखने हैं. ऑब्वियसली ऑल हैलोजन्स आर वीकली डीएक्टिवेटिंग. ओके, दीज आर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड दीज आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है, इतना तुमको ध्यान में रखना है. तुमको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं और उनका एक रिलेटिव ऑर्डर, ये भी तुमको ध्यान में रखना है. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं बेसिकली. मतलब जब नेक्स्ट रिएक्शन होगा तो वो मेटा पोजीशन पे होगा. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक समथिंग लाइक NO2 ग्रुप. ठीक है, अब NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, इसी का मतलब डीएक्टिवेटिंग है. और ये पोजीशन जो है ये रहेगा मेटा डायरेक्टर. ठीक है, सो लेट्स डू सम रिएक्शन, CH3Cl AlCl3. ओके, सिंपल सी रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉस अल्किलेशन कर रहे हैं. और अब जो सब्स्टिट्यूशन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी एट मेटा पोजीशन. ठीक है, अगर मैं इसी पोजीशन को रिएक्ट कर रहा हूँ, देखो मैंने इसके पहले जो रिएक्शन दिया था, जैसे OH ले लिया या OCH3 ले लिया. सो OCH3 ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और इस सेम रिएक्शन मैं करता हूँ तो मेरे को ऑर्थो प्लस पैरा आइसोमर मिलता है और यहाँ पे मेरे को मेटा आइसोमर मिल रहा है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा आइसोमर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर. समझ में आया? सो दैट इज, यू ऑलवेज गेट ऑर्थो प्लस पैरा. कभी कभी स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से पैरा ज़्यादा मिलता है, इन जनरल थोड़ा सा पैरा ज़्यादा मिलता है रादर देन ऑर्थो, और कभी कभी ऑर्थो ज़्यादा मिलता है. आगे देखेंगे अपन, अभी फिलहाल वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है. बट रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. अंडरस्टूड है ये? ठीक है, तो अब इसका बेसिकली अपने ये तो देख लिया, बट वाई ऐसा क्यों, वाई आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर एंड वाई आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी नहीं, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन. ये अभी अपन जल्दी जल्दी में कंप्लीट करने में कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.